हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज के विक्रांत एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न काइनेमैटिक्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 11th क्लास। काइनेमैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं एक्चुअली आपको बॉडी के मोशन के बारे में, बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, और अगर मोशन में है तो फिर ये क्या क्या होगा, जब बॉडी मूव करेगा तो किन किन तरीकों से मूव करेगा, है ना, यही सब चीजें पढ़ेंगे आपको काइनेमैटिक्स में। ठीक है, देखिए काइनेमैटिक्स में मैंने लिखा सबसे पहले रेस्ट। ठीक है, रेस्ट में हमने लिखा बॉडी बॉडी और सिस्टम नॉट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, है ना। अगर कोई भी बॉडी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो आपको बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, आगे हमने लिखा मोशन, हमने लिखा बॉडी और सिस्टम चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, है ना, WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू है। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी बॉडी या सिस्टम अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन बदल ले रहा है तो वो क्या है, मोशन में। ठीक, चलो समझ रहे बात को ना। अगर कोई भी सिस्टम या कोई भी बॉडी अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन ना बदले तो वो रेस्ट में है, और अगर अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन बदल लिया तो वो मोशन में है। जैसे मैं अभी ऐसे खड़ा हूं तो मेरा पोजीशन जो है वो इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में, या तो उस चेयर के रिस्पेक्ट में, या तो इस चौक के रिस्पेक्ट में, है ना, किसी के रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, देन आई एम इन रेस्ट। तो मैं क्या हूं, रेस्ट में हूं, मैं स्थिर हूं। अब जरा सोचो कि मैं ऐसे ऐसे इधर से इधर जा रहा था, इधर से इधर जा रहा था, तो अब मेरा जो पोजीशन है वो चेंज कर रहा है इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में भी, इस चेयर के रिस्पेक्ट में भी, है ना। तो मेरा पोजीशन चेंज कर रहा है इस वाले वॉल के रिस्पेक्ट में, इस वाले वॉल के रिस्पेक्ट में, उस वाले वॉल के रिस्पेक्ट में, वॉल मीन्स दीवार, ठीक है ना, वॉल वॉल। ठीक, तो आपको मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है आस पास के चीजों के रिस्पेक्ट में, तब मैं क्या हूं, गति में हूं, मैं मोशन में हूं, देन आई एम इन मोशन। ओके, चलिए तो ये बात हमने बताया। देखिए हमने एक फिगर भी बनाया कि एक लड़का है जो आपको साइकिल पर बैठा हुआ है, साइकिल को चला रहा है, साइकिल 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से इधर जा रहा था, और लड़का के साइकिल पीछे मेडिकार्ड पे एक बॉक्स रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक बॉक्स, देखो ये बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, या तो ब्लॉक कहिए या बॉक्स कहिए, जो भी कहिए। एक लड़का जो ये रोड पर ऐसे खड़ा है, ए, एक लड़का ए है जो रोड पर चुपचाप खड़ा है, और ये लड़का बी साइकिल चला रहा है, उसी के साइकिल पर बॉक्स रखा हुआ है। तो अब अगर स्टेटमेंट पूछा जाए इस बॉक्स के अबाउट में, इस ब्लॉक के अबाउट में, तो लड़का ए क्या कहेगा, लड़का ए कहेगा कि ब्लॉक इज इन मोशन। लड़का ए कह रहा है ब्लॉक इज इन मोशन, जबकि बी कह रहा है ब्लॉक इज इन रेस्ट। एक ही ब्लॉक है, उसी के बारे में दो अलग अलग लड़कों का राय अलग अलग हो गया। लड़का ए है वो कह रहा है कि ब्लॉक मोशन में है, और ये लड़का बी है जो कह रहा है कि ब्लॉक रेस्ट में है। क्यों, क्योंकि इस लड़का ए के रिस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक का पोजीशन लगातार चेंज हो रहा है, ये ब्लॉक इधर लगातार आ रहा है उस लड़का के रिस्पेक्ट में, जबकि इस लड़का बी के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि दोनों तो एक ही गाड़ी पर बैठा हुआ है। तो आपको लड़का ए बोला कि ये ब्लॉक मोशन में है, जबकि ये लड़का बी बोला कि ये ब्लॉक रेस्ट में है। ठीक, यानी कि तो भाई गड़बड़ी है कुछ, ये रेस्ट एंड मोशन का जो डिफिनेशन है इसमें कोई परफेक्शन नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसमें कोई परफेक्शन है भी नहीं,
रेस्ट और मोशन का जो डेफिनेशन है ये पूरी तरीके से देखने वाला पर डिपेंड करता है, यानी ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर देखने वाले के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा है तो मोशन में, और अगर देखने वाले के रिस्पेक्ट में पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है तो रेस्ट में है। ठीक है, जैसे आप बताओ, आप बाइक पे बैठे होते हो, कोई चला रहा होता है, तो जो चला रहा होता है वो आपको रेस्ट में ही दिखता है। लेकिन एक लड़का जो आपको रोड के सामने में ऐसे बगल में खड़ा था, वो क्या कहेगा? वो तो कहेगा ना कि जो बाइक चला रहा है वो लड़का मोशन में है कि नहीं, यानी बाइक मोशन में है। ठीक, तो इसलिए मैंने कहा कि रेस्ट एंड मोशन डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर। रेस्ट और मोशन जो है वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वर, दो टाइप के ऑब्जर्वर होते हैं, पहला इनर्शियल फ्रेम, दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो देखिए इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है हम बताते हैं। स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए। देखिए हमने आपको बताया कि ऑब्जर्वर दो टाइप का होता है, इनर्शियल फ्रेम और उसके बाद में नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, ठीक। यानी मोशन डिपेंड करता है आपको ऑब्जर्वर पर, ठीक है ना। अब देखो इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है कि आपको ऐसा ऑब्जर्वर जो रेस्ट में हो या तो यूनिफॉर्म मोशन में हो। रेस्ट में हो ये बात तो समझ में आता है आपको, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है, फिलहाल याद रखना, आगे तो बताया ही जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि आपको एक ही स्पीड से चलना या एक ही वेलोसिटी से चलना, ठीक है ना। यानी एक ही वेलोसिटी से चल रहा है ऐसे तो आपको उसको बोलेंगे, यानी कि उसका हमेशा वेलोसिटी बराबर रहे तो बोलेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन में है ना। तो अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में रहा या तो यूनिफॉर्म मोशन में रहा तो हम कहेंगे कि वो क्या है, इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, देखिए हम ने लिखा नो एनी फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर पर कोई भी फोर्स ना लगे तो इसका मतलब कि ऑब्जर्वर क्या है, इनर्शियल फ्रेम है। एक बात बताओ, जरा सा देखो, अभी भूल जाओ कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप जरा इमेजिन करो कि अगर आप ऐसे रेस्ट में हैं, या तो कोई भी चीज रेस्ट में ऐसे है, कोई भी चीज ऐसे रखा हुआ है, तो वो कब तक नहीं आपको चलना शुरू करेगा, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे तब तक वो चलना शुरू नहीं करेगा। जैसे मानिए कि ये डब्बा क्या है, अभी ऐसे रेस्ट में है, ये चलना कब शुरू किया, जब मेरे हाथ ने इस पर फोर्स लगाया। तो तुम बोलोगे सर हाथ कहाँ फोर्स लगा रहा है, अरे लगा रहा है भाई, ये नीचे देखो, ये नीचे मेरे हाथ में चिपका हुआ है और मैं अपने हाथ को इधर ले जा रहा हूं तो मेरा हाथ इस पे फोर्स लगा रहा है, नीचे से फोर्स लगा रहा है। या तो कोई चीज ऐसे था आप उसको ऐसे धकेलेंगे यानी इस पे फोर्स लगाएंगे तब ये चलना शुरू करेगा। तो इतना तो तय है कि कोई भी चीज अपना अवस्था, यानी जिस भी अवस्था में था वो अवस्था तब बदलता है जब उस पर फोर्स लगता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि आपको कोई चीज ऐसे अभी था, ये अपना रेस्ट में था, ये मूव कब करेगा, जब ये मोशन में आएगा। ठीक है, या तो कोई चीज मानो कि ऐसे एक ही स्पीड से चल रहा था, जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से चल रहा है, तो उसका स्पीड कब बदलेगा, जब पीछे से कोई धक्का लगाए तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। या तो आगे से कोई उसको ऐसे इधर जा रहा था, आगे से कोई इधर धक्का मारे तो उसका स्पीड कम हो जाएगा। यानी कि एक स्पीड से भी चल रहा है कोई और उसका स्पीड बदलना है तो उस केस में फोर्स लगाना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? अरे भाई इमेजिन करो रियल लाइफ में, इमेजिन करो कि सोचो कि तुम साइकिल चला रहे थे, चलो साइकिल का एग्जांपल ले लेते हैं। मानो कि कोई ऐसे बॉल को ऐसे तुम लुढ़का दिए, बॉल एक स्पीड से चल रहा था
अब बॉल के स्पीड को और तेज करना, तो क्या पीछे से फिर से फोर्स लगाओगे तो बॉल तेज हो जाएगा, या तो अब बॉल के स्पीड को धीमा करना रोकना है तो इधर से फोर्स लगाओगे, अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाओगे। यानी आपको स्पीड बदलने के लिए, यानी यूनिफॉर्म मोशन से नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड एक ही है तो क्या यूनिफॉर्म मोशन है ना, आपका स्पीड बदल जाएगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यानी यूनिफॉर्म मोशन से नॉन यूनिफॉर्म बनाने के लिए, यानी स्पीड बदलने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ता है। तो यूं कहें कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी उस पर फोर्स नहीं लग रहा है, किसी टाइप का फोर्स नहीं लग रहा है। आ रहा है बात समझ में? तो वही बात हम यहां पे लिखे हैं, इफ ऑब्जर्वर इज इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब नो एनी फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम होगी, यानी ऑब्जर्वर पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, है ना, तो देखिए उसका हमने कुछ एग्जाम्पल बनाया इस टाइप का। मानो कि ये ऑब्जर्वर है, ये आपको ये ऑब्जर्वर बी को देखना चाह रहा है, तो बी 5 मीटर पर सेकेंड से आपको चल रहा था, ये ऑब्जर्वर जो था ये अभी आपको रेस्ट में था, तो ये क्या है इनर्शियल फ्रेम है। अभी मानो कि ये ऑब्जर्वर 15 मीटर सॉरी ये लड़का बी 15 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से चल रहा है, आपका ऑब्जर्वर ए है, ऑब्जर्वर भी 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से चल रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब भी होता है कि फोर्स जीरो होना, समझे। फोर्स अगर तुम किसी बॉडी पे लगाते हो तो वो जिस रेट से स्पीड को बढ़ाता है उसको ही एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी यूं कहो कि भी तुम फोर्स का मतलब एक्सेलरेशन समझना, ठीक है, कि अगर फोर्स लगेगा तब भी एक्सेलरेशन होगा और अगर फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। यानी इसका एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब फोर्स भी जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब फोर्स जीरो होना, ठीक है, तो फोर्स भी जीरो है, ठीक है। तो देखो ये एक्सेलरेशन जीरो था, ये मूव कर रहा था 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से, तो एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब फोर्स जीरो है, और ये 5 मीटर का स्पीड से मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से, यानी हमेशा इसी स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से ये चलता रहेगा। और तब ये अगर बी के मोशन को ऑब्जर्व करेगा तो उस केस में भी ये क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम होगा। आई बात समझ में? चल अब देखते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। हमने लिखा इफ ऑब्जर्वर इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, है ना, ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड मोशन में हो, एक्सेलरेटेड यानी एक्सेलरेशन आ गया तो बाबू क्या लगेगा उस पर, फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन आ गया इसका मतलब क्या, फोर्स आ गया। एकदम से ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन आ गया इसका मतलब फोर्स लगेगा, और अगर एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो तो हमने लिखा है कि इफ ऑब्जर्वर इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, इसका मतलब उसमें फोर्स लग रहा होगा, एनी टाइप ऑफ फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जर्वर, है ना, तो वो क्या होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। तो देखो नॉन इनर्शियल फ्रेम का एग्जांपल हमने बनाया, ये लड़का जो था वो दौड़ रहा था 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, आपका जो ऑब्जर्वर है वो भी 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड से दौड़ रहा है, लेकिन ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन भी है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब ऑब्जर्वर पर फोर्स भी लग रहा है, तो ये ऑब्जर्वर क्या है, नॉन इनर्शियल है। चलो लिखो स्क्रीन पॉज करके, स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए ओके। देखो तो मैंने कहा कि रेस्ट एंड मोशन ये डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर पर, तो अब एक बात बताओ, बॉडी रेस्ट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बॉडी मोशन में है यानी मूव कर रहा है तो अब क्या होगा, ठीक है। तो देखिए बॉडी अगर मोशन में है तो दो टर्म बेसिकली हम प्राइमरली डिफाइन करते हैं शुरू में, उसके बाद तो बहुत सारे टर्म आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल दो टर्म डिफाइन करते हैं, आपको डिस्टेंस, डिस्टेंस और आपको डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्चुअली अमाउंट ऑफ मोशन को बताता है कि कितना मोशन किया है ना, कितना मोशन, कितना मात्रा में मोशन किया है, वही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों का बताने का तरीका अलग अलग है, लेकिन
मोटे तौर पे याद रखिएगा, अमाउंट ऑफ मोशन को बताता है उसे बोलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अरे मोशन कर रहा है तो कितना मोशन कर रहा है, कितना मोशन कर रहा है जो बताएगा वही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ओके। देखिए अब हमने लिखा डिस्टेंस, डिस्टेंस के बारे में लिखा एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ब्लॉक ड्यूरिंग मोशन। कोई भी ब्लॉक के द्वारा मोशन के दरमियान में आपको जिस पाथ पे चलता उस पाथ का लंबाई को ही हम बोलते हैं, एक्चुअल लंबाई को ही हम बोलते हैं डिस्टेंस। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ब्लॉक या कोई भी पार्टिकल मोशन में होता है और जिस रास्ते पर चलते रहता है, यानी जिस रास्ते पर चलते हुए वो मोशन में है, उस रास्ते की टोटल लंबाई को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। यानी देखो हमने एक ऐसे रास्ता बनाया, मानिए कि यहीं पर से कोई लड़का चलना शुरू किया, ठीक है, यहां पर से कोई लड़का ऐसे, ये लड़का यहां से चलना शुरू किया पॉइंट ए से, ठीक है जी, पॉइंट ए से ये लड़का चलना शुरू किया, ऐसे जाते हुए ये ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी ये लड़का ऐसे चलते हुए ये यहां तक आया। ठीक है, तो आपको इस रास्ते की जो भी लंबाई होगी ना, वही इस लड़के का डिस्टेंस होगा। इस रास्ते की जो भी लंबाई होगी वो इस लड़के का डिस्टेंस होगा। चलो भाई आगे हमने लिखा डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमने लिखा कि डिस्टेंस अ स्केलर क्वांटिटी है ना, तो आप स्केलर क्वांटिटी जानते हैं, ऐसा क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन नहीं हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और मैग्नीट्यूड क्या हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमने लिखा है कि आपको डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो भी हमने लिख रखा है ना, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जाहिर सी बात है कि स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बाहु, और मैग्नीट्यूड क्या हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है, तो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होना ही होना है। ठीक है, चलिए लिखा है एसआई यूनिट इज मीटर। अब देखो डिस्टेंस स्केलर क्यों है, पहले इस चीज पे आते हैं। देखो स्केलर इसलिए है क्योंकि थ्रू आउट मोशन, पूरे मोशन के दरमियान में इसके पास यूनिक डायरेक्शन नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। पूरे मोशन के दरमियान में हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ ये उधर ही जा रहा है तो जा रहा है, ये पगला गाड़ी है, ये कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन थ्रू आउट मोशन, ड्यूरिंग थ्रू आउट मोशन। आपको पूरे मोशन के दरमियान में कोई भी इसके पास एक डायरेक्शन नहीं है। देखो ये पगला गाड़ी अभी इधर जा रहा था, फिर इधर चला गया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ठीक है, तो आपको जिस रास्ते पे चलते हुए अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन ना मिले, हमें कोई एक खास डायरेक्शन ना मिले कि जो लगे कि पूरे मोशन के दरमियान में एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, तो आपको उस रास्ते की लंबाई को हम बोल देंगे कि ये डिस्टेंस पाथ है, ये डिस्टेंस है ना। तो आपको हमने बताया था वेक्टर और स्केलर में भी हमने यही बताया था कि जिसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन इन स्पेस नहीं है, वो आपको स्केलर है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक ये बात आप समझते हैं। तो हमने कहा डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, एसआई यूनिट इज मीटर, एसआई यूनिट तो मीटर ही होगा ना भाई। डिस्टेंस क्या है, रास्ते की लंबाई, एक लंबाई ही है ना। मान के चलो देखो तो ये रस्सी जैसा नहीं है, इसको सीधा कर दीजिए, मेजर कर लीजिए लंबाई, वही तो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस तो एक लंबाई है, तो लंबाई का क्या होता है एसआई यूनिट, मीटर, यही होता है ना। हाँ, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्केलर है तो पॉजिटिव ही होगा ना, मैग्नीट्यूड ही होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सब पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस, डिस्टेंस कभी घटेगा नहीं बाबू। देखो देखो ना, ऐसे चला, इधर भी घूम गया, तो देखो रास्ता लगातार बढ़ते जा रहा है, तो आपको हमेशा बढ़ेगा, घटेगा कभी नहीं। अब आइए हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा एक्चुअल चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ब्लॉक ड्यूरिंग मोशन, पूरे मोशन के दरमियान में जितना आपको इसके स्थान में परिवर्तन हो गया,
यानी जितना इसके पोजीशन में बदलाव आ जाए वही है आपको डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसी लड़के को देखो, पूरा रावी चेनाब झेलम करते हुए इधर आया, ये पूरा ऐसे रावी चेनाब झेलम लखनऊ कोलकाता बंगाल पता नहीं कहां कहां ये चला गया। और देखो ये बंगाल में क्या हो गया, खेला हो गया, वो तो बड़ा गड़बड़ हो गया भाई बंगाल में, और समझते हो ना खेला हो गया, दीदी जीत गई बीजेपी की हार हो गई, इसी को बोलते हैं खेला हो गया। ठीक है यार, पढ़ो लिखो इंजीनियर बनो, कोई इंजीनियर लड़के नहीं है, गाना लिखा था खेला हो गए खेला हो गए, है ना भाई। ठीक है चलो कोई बात नहीं, चलिए देखिए ध्यान दीजिए। तो ये लड़का ऐसे चलते इस रास्ते पर पूरा ये ऐसे ऐसे पूरा मेहनत कर कर बेचारा यहाँ आया, लेकिन पोजीशन कितना चेंज हुआ, एक्चुअल पोजीशन तो इतना ही चेंज हुआ ना। देखो यहां से ये फाइनली तो यही आया है ना, ये अलग बात है रावी चेनाब झेलम कलकत्ता कहाँ कहाँ गंगा जमुना सरस्वती करते हुए पहुंचा, लेकिन पहुंचा कहाँ, यही पहुंचा ना। तो चेंज इन पोजीशन क्या है, चेंज इन पोजीशन तो इतना ही है, अरे यार चेंज इन पोजीशन तो यही है ना, यही है ना चेंज इन पोजीशन। तो जो आपको एक्चुअल चेंज इन पोजीशन है वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि मेरा ये जो ए बी, ये जो लंबाई है ए बी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये लंबाई ए बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। एक्चुअल चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मैंने कहा इट इज वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। हाँ भाई है, देखो ना आपको पूरे आपको चेंजिंग के दरमियान में इसका डायरेक्शन हमेशा इधर ही रहा है। देखो इस पॉइंट पे भी इधर ही था, इस पर भी इधर ही था, इस पर भी इधर ही था, इस पर भी इधर ही था, पूरे आपको चेंजिंग के दरमियान में डायरेक्शन इधर ही था। देखो इस वाले लाइन का डायरेक्शन थ्रू आउट ए से बी तक आपको हमेशा टूवर्ड बी है कि नहीं, क्या है वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। आगे लिखा है साइन इट इज मीटर, अरे भाई तो ये भी तो एक लंबाई ही है ना, यहाँ से यहाँ तक इस रास्ते की लंबाई ही है, तो लंबाई का साइन इट मीटर ही होता है। मैंने लिखा इट मे बी पॉजिटिव निगेटिव और जीरो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वेक्टर है ये, तो वेक्टर क्या होता था, पॉजिटिव भी होता था, निगेटिव भी होता था, जीरो भी होता था, पढ़ाया था ना मैंने निगेटिव वेक्टर जीरो वेक्टर पढ़ाया ही था। अच्छा खैर कोई एग्जांपल से भी समझा देंगे। आगे लिखा इट मे बी पॉजिटिव निगेटिव और जीरो, आगे लिखा इट मे इंक्रीज, ऐसे वाला साइन दिया हुआ है, देखो ये वाला साइन ऐसे वाला दिया, इसका मतलब इंक्रीज और डिक्रीज, ऐसे वाला साइन का मतलब डिक्रीज, ठीक है, ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, तो ये सारा बात हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। ठीक चलो भाई, तो आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो समझ गया। चलो अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मानिए किस रास्ते पर यहां से कोई चलना शुरू किया, अगर यहां से चलना शुरू किया पॉइंट ए से, आपको फिर ये पॉइंट बी पर गया, फिर पॉइंट सी पर, फिर पॉइंट डी पर और फिर से ए पे आ गया होगा, है ना। हमने कहा कि यहां से चलना शुरू किया पॉइंट ए से, फिर बी पर गया, फिर सी पर और फिर लौटकर, सॉरी सी से डी पर गया और डी से लौटकर ए पर आ गया होगा। अब जरा सोचो, मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर चर्चा करूं तो सोचो
आपको डिस्टेंस क्या है ए से बी गया होगा, सोचो अगर ए से बी गया तो डिस्टेंस ऐसा, डिस्प्लेसमेंट ऐसा। अब जरा डिस्प्लेसमेंट को तुम मान लो, क्या मानोगे, जो मानना है मान लो यार, मान लो पी, ठीक। अब अगर सोचो सी पर गया होगा, तो सी पे गया तो डिस्टेंस हो गया ऐसा और डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा कि नहीं। एक्चुअल चेंज इन पोजीशन को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं भाई। तो ए से बी पे गया तो चेंज इन पोजीशन यही था। अब ए से चलते हुए सी पर गया भाया बी, भाया मीन समझते हो ना, बीच वाला जगह को कहते हैं भाया। बस वगैरह पर नहीं बैठे हो क्या, लिखा होता है भाया, मतलब बचपन में हम सोचे भाया क्या है, बहुत बाद में पता चला कि ये तो अंग्रेजी वर्ड है भाई, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, तो ये आपको ए से सी पर गया भाया बी, ठीक। चलो तो आपको भाई ए से सी गया तो चेंज इन पोजीशन मेरा यही है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या मानते हैं, क्यू मान लीजिए, चलो ओके। अब अगर ए से चलते हुए ए से आया डी पर भाया बी सी, ए से डी पर आया आपको कैसे, बी और सी पॉइंट को होते हुए, तो आपको उस केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये सॉरी डिस्टेंस हो जाएगा ये। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो ऐसे चलते हुए आया है डी पर जरूर, लेकिन पोजीशन चेंज तो इतना ही हुआ ना, ठीक। चलो भाई चल, आप अगर फिर से ए पर आ गया होता तो ये ऐसे, ये पूरा एक सर्कल का सर्कमफेरेंस कंप्लीट, डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाता, जीरो हो जाता है यहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि यहां से चला और फिर यहीं आया, मुस्का पुना मुस्का, जहां से चला वहीं आ गया, तो चेंज इन पोजीशन कुछ नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने स्टेटमेंट दिया कि ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो हुआ वो तो समझ में आया कि जहां से चलता है फिर वहीं पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो, ठीक है भाई। आप जरा ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट बढ़ने और घटने वाला, तो देखो ए से बी पर गया था तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा था, ए से सी पर गया तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, बढ़ा के नहीं बढ़ा, देखो ना भाई ये वाला लंबाई से वाला लंबाई ज्यादा है, लेकिन जैसे ही ए से बी सी होते हुए डी पर आया तो डिस्प्लेसमेंट घट गया, ये वाला अभी डिस्प्लेसमेंट इतना ज्यादा था, अब डिस्प्लेसमेंट मात्र इतना है, घट गया। तो हमने कहा तो कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है। और फिर जब यहां आ गया डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया और घट गया, कंप्लीट जीरो हो गया, लेकिन डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। देखिए ए से बी पे गया था तो इतना, अब आपको ए से बी होते हुए सी गया तो इतना, देखो अभी मात्र इतना था अब इतना हो गया, अब आपको ए से बी से सी से होते हुए डी आया तो इतना, देखो अब इतना हो गया, और आपको ए से बी सी डी होते हुए फिर ए पे आया तो इतना, यानी पूरा एक सर्कमफेरेंस है ना, क्योंकि डिस्टेंस कहते हैं पूरे रास्ते की लंबाई को। तो ये बात आप समझ रहे हो कि डिस्टेंस बढ़, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। चलो भाई अब देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लो कि ये ऑरिजिन क्या है, ये ऑरिजिन है बाबू, देखिए ये हमारा ऑरिजिन है ना, और ये वाला मार्क जो है दिया गया है ये वन का है, ये वाला मार्क टू का है, और ये वाला मार्क थ्री का है, ओके, और ये वाला मार्क माइनस वन का है, और ये वाला मार्क माइनस टू का है, और ये वाला मार्क माइनस थ्री का है,
अब एक लड़का जो कि आपको यहां से चलना शुरू किया, तो अगर नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई एफ, अगर ये लड़का ए पर जाएगा तो पॉइंट ए पर डिस्प्लेसमेंट का साइन लिखना है, DIST लिखे तो डिस्ट्रिक्ट मत समझ जाना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को लिखे हैं, चलो DISP लिख देते हैं, चलो DISP, अब डिसिप्लिन मत समझ लेना, ठीक है। तो पॉइंट ए पर बोलो क्या है, पॉइंट ए पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, पॉइंट बी पर भी पॉजिटिव, पॉइंट सी पर भी पॉजिटिव, ठीक है जी। अब देखो पॉइंट ए पर पॉजिटिव, पॉइंट बी पर भी पॉजिटिव, पॉइंट सी पर भी पॉजिटिव, वो लौट गया ये सी से बी गया तो अभी भी डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, फिर आपको बी से ए जाएगा तो अभी भी देखो ना पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, इधर ही है डिस्प्लेसमेंट भाई, तो आपको क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बहुत लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो देखो अगर ऑरिजिन से ए गया तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसा था, ठीक, और अब यहां से चल तो यहां आया तो अभी भी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसा है, अब यहां से यहां आया तो अभी भी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसा है। अब जरा सोचो ये लौटने लगा सी से बी पर आ गया, ये इधर से चलते हुए सी से बी पर आ गया, तो बाबू बी पर आ तो गया लेकिन चलना शुरू कहां से किया था, ऑरिजिन से किया था ना, तो अभी भी चेंज इन पोजीशन मेरा ये है, अभी भी चेंज इन पोजीशन ये है, तो अभी भी डिस्प्लेसमेंट इधर ही है ना, अगर भाई चेंज इन पोजीशन यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट अभी भी इधर ही है। अगर ये फिर यहां पर आ गया ए पर तो अभी भी चेंज इन पोजीशन, देखो यहां से चलना शुरू किया था ऐसे गया फिर लौट कर यहां आया है तो अभी भी चेंज इन पोजीशन इधर ही है, अभी यहां पर है, यहां से चलना शुरू किया था यही है चेंज इन पोजीशन, लेकिन इधर ही है क्योंकि यहां से चलना शुरू किया था, फिर अगर यहां आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, जहां से चला था वहीं पहुंच गया, लेकिन अगर फिर यहां से चल के ये डी पर जाएगा तो डायरेक्शन इधर है बना भाई, ऑरिजिन से चलकर अब डी पर जा रहा है तो इधर डायरेक्शन है ना, तो इधर वाला डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, निगेटिव, क्या बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं, तो आपको डी पर हो जाएगा डायरेक्शन निगेटिव यानी डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, ई पर भी निगेटिव और एफ पर भी निगेटिव, चलो ओके। तो ये बात हुआ, हमने समझा, अब देखिए जरा ध्यान दीजिए एक और एग्जाम्पल लेंगे उससे आपको पूरा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई देखो मान लो कि ये ऑरिजिन, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी और ये है पॉइंट डी, आपको हर एक पॉइंट के बीच का दूरी बराबर बराबर है, यानी जितना ये वाला दूरी है ऑरिजिन से ए तक मान लीजिए 5 मीटर, उतना ही ए से बी तक भी है 5 मीटर ही, उतना ही ऑरिजिन से सी तक भी है 5 मीटर, उतना ही सी से डी तक की दूरी भी है 5 मीटर,
यानी सभी मार्क के बीच का दूरी, सभी कंजुगेटिव मार्क के बीच का दूरी सेम है ना। कोई लड़का जो कि यहां से दौड़ना शुरू किया ऑरिजिन से, यहां से इधर दौड़ना शुरू किया, ठीक है, और इधर दौड़ना शुरू किया और बी पर आकर फिर लौट गया होगा, जैसे ही बी पर ये लड़का आया होगा, ये लौट गया होगा इधर, और लौटकर इधर डी तक आया होगा। समझ रहे हैं? सवाल लिख दें, बच्चा कहां से कहां गया? बच्चा गया ओ टू बी और फिर कहां गया जी? फिर आया बी टू डी, है ना। यानी कि कह सकते हैं कि जो बच्चा है, ये बच्चा एक्चुअली में गया है ओ टू डी भाया बी, है ना। यानी ओ से डी ही गया है लेकिन भाया बी, बी होते हुए, यानी ओ से पहले ए पे आया फिर ऐसे लौटते हुए डी तक गया है, ठीक है। ये बच्चा ओ से ए पर आया फिर ऐसे लौटते हुए डी तक गया है। अब देखो, अब हमें पूरा एनालिसिस करना है कि इसका मोशन कैसा रहा, तो हम कर लेंगे। जरा बना लीजिए, बॉक्स बना लीजिए, ये मैंने लिखा DIST, डिस्ट्रिक्ट मत समझना, डिस्टेंस है। ये मैंने लिखा DISP, डिस्प्लेसमेंट, और ये मैंने लिखा साइन, यानी डिस्प्लेसमेंट का साइन कैसा होगा, ठीक। और ये यहां पे रहा मेरा पॉइंट, है ना। आप जरा देखिए, पॉइंट ओ से ए तक आया, पॉइंट ए पर आया अभी, तो आने वाला साइन जो है वो ऐसे दे देते हैं, यानी ए पर जा रहा है और ए पर लौट के आ रहा है, तो नीचे का साइन देंगे, ठीक। तो यानी ये ओ से ए पर आया, तो डिस्टेंस कितना बाबू? 5। डिस्प्लेसमेंट भी 5, डिस्प्लेसमेंट क्या? पॉजिटिव, है ना। और डिस्टेंस 5, डिस्टेंस बढ़ रहा था, एक सेकंड रुक जाओ, यानी ए पे आया तो नीचे में ऐसे दे दीजिए, ठीक है, इधर, यानी ए पर आया तो डिस्टेंस 5, डिस्टेंस बढ़ रहा था, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा था, पॉजिटिव साइन का था। अब ओ से ए होते हुए बी पर आया, तो ओ से होते हुए बी पर आया ए होते हुए, तो डिस्टेंस 10, डिस्टेंस बढ़ गया 5 से 10 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 10, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ गया 5 से 10 हो गया, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। आप जरा सोचिए कि अब बी पर जब आ गया तो उड़ के तो डी पे नहीं ना चल जाएगा, अब बी पे आया तो फिर घूम के बी ए पर जाएगा। अब देखो ना भाई, ओ से ए होते हुए बी आया, अब बी से इसको जाना है तो यहां तक, तो क्या होगा? बी से पहले ए पर आएगा, तो बी से ए पर आएगा, यानी ए पर लौट के आ गया, तो ए पर लौट के आ गया, तो ए पर लौट के आना, हम इधर का ऐसा साइन दे रहे हैं, ऐसे ऐसे दे रहे हैं, यानी कि लौट गया ए पे, इधर यानी बी से ए पे लौट गया, इधर गया तो इधर का नीचे में साइन लगा दिया, ठीक। तो जब ए पर लौट कर आया तो डिस्प्लेसमेंट से पहले डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस कितना? 15, क्योंकि जितना
चलेगा ये जिस रास्ते पर चलेगा उस रास्ते की लंबाई, देखो ना ऐसे होते, ये ऐसे यहां तक कितना 10, और फिर ये ऐसे, फिर 5 जोड़ दो 15। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पहले डिस्टेंस देखो, ये लगातार बढ़ रहा है भाई, डिस्प्लेसमेंट बताओ। ये ऐसे होते हुए बी पर होते हुए फिर ए पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। तो था चला था ओ से बी होते हुए फिर ए पर आ गया, लेकिन फाइनली पहुंचा तो ए पे, तो चेंज इन पोजीशन इतना ही है। तो ये क्या है, 5 मीटर है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट 5। देखो तो बाबू डिस्प्लेसमेंट 10 था पहले, अब 5 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, घट गया, घटने का साइन ऐसे। साइन क्या है डिस्प्लेसमेंट का, ओरिजिन से अभी भी राइट साइड में है तो पॉजिटिव, ठीक। अब सोचो फिर से ओ पर लौट के आ गया, ओ पर लौट के आ गया, इधर साइन दिए ये, इसका मतलब ओ पर लौट कर आ गया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 20, डिस्प्लेसमेंट 0 और घट रहा है डिस्प्लेसमेंट अभी। और देखो आपको साइन क्या हो जाएगा, साइन कुछ नहीं रहेगा ना, पॉजिटिव है ना निगेटिव है, 0 पे है तो क्या, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, ठीक है, नल लिख सकते हो, नल कुछ ना है बाबू, ठीक है, नील है, नल है। देखो ना आपको ओ से चला था बी पर गया फिर लौट के ओ पर आ गया, तो डिस्टेंस क्या इस रास्ते की पूरा लंबाई, तो 5 10 फिर यहां से 15 फिर ये 20, तो डिस्टेंस 20 हो गया, डिस्प्लेसमेंट यहीं से चला था यहीं पहुंच गया 0। आपको डायरेक्शन कहने का मतलब कि क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अभी कुछ नहीं है, न्यूट्रल है। साइन क्या हो जाएगा, नल कुछ नहीं है। अब जरा देखिए आप अगर सी पर आएगा, तो सी पर जब ये आ जाएगा तो डिस्टेंस हो जाएगा 25 होगा ना, क्योंकि ये ऐसे फिर लौट के फिर यहां पहुंच गया, तो 5 मीटर और बढ़ गया। आपको डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट होगा 5, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5 होगा। देखो ना यहां से यहां पहुंचा, चेंज इन पोजीशन यही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का साइन क्या होगा बाबू, निगेटिव होगा। देखो भाई इधर वाला साइन पॉजिटिव था, ओरिजिन इधर वाला क्या है, निगेटिव, ठीक। चलो अच्छी बात है, आप देखो डी पर फिर गया ये, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 10, साइन निगेटिव। डिस्टेंस देखिए डिस्टेंस लगातार बढ़ रहा है, 15 से 20 हुआ, 20 से 25 हुआ, फिर 25 से 30 हुआ, आपको डिस्प्लेसमेंट यहां तक बढ़ा फिर घटा और फिर बढ़ने लगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ने लगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड देखना है सिर्फ, ये मत सोचना सर गलत पढ़ा दिया, ये +5 था ये -5 था, बता रहे कि बढ़ रहा है, ये 0 था ये -5 है, इसको बोला कि बढ़ रहा है, बहुत जूते खाओगे, हमने साइन इधर ले रखा है, ठीक है, प्लस माइनस वाला। साइन का मतलब सिर्फ डायरेक्शन से, ये बात हमने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, बेसिक फिजिक्स में ही, मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात हो रही है ये, तो 0 से मैग्नीट्यूड 5 हो गया तो बढ़ गया, 5 से 10 हो गया बढ़ गया, साइन इधर लिखा हुआ है ये निगेटिव निगेटिव, आ रही बात समझ में। तो साइन का मतलब पॉजिटिव का मतलब सिर्फ आपको कि ये पॉजिटिव का मतलब कि इस डायरेक्शन में, और अगर निगेटिव है तो उस डायरेक्शन से अपोजिट इस डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव ऊपर वाले को माने हैं, निगेटिव का मतलब नीचे वाला डायरेक्शन, ठीक है। चलो ओके, देखो ये 5 से 10 हो गया, इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ठीक है ओके। चलो तो ये टेबल हमने लिया, इस टेबल से कुछ तो समझ में आया होगा आपको, जरूर पूरा एनालिसिस हो गया कि आपको डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, 0 भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक। चलो भाई
ये बात। अब जरा देखो एक सवाल करो भाई जरा तुम लोग। हाथ में क्या गड़ गया जी? एक सवाल कीजिए। एक स्क्वायर है ए बी सी डी, साइड लेंथ दिया गया है कितना लेने बोलो? 5 मीटर। चलो काफी है 5 मीटर। अगर एक चूहा चूहा है ना जी, ए से चलना शुरू किया, ए से चलना स्टार्ट किया, स्टार्ट किया, तो फाइंड DIST का मतलब डिस्टिक नहीं डिस्टेंस समझना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट कौन कौन से पॉइंट पे निकालो? पहला निकालो डी पे, दूसरा निकालो सी पर, तीसरा निकालो डी पर और चौथा निकालो फिर से ए पर। अगेन एट ए, फिर से ए पर जब आएगा तब निकालिए। चलो कोई बात नहीं बताते हैं। देखो भाई ए से बी पर गया तो जिस रास्ते पे चला उस रास्ते की लंबाई 5 मीटर, तो ए से बी पर गया होगा यानी पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर डिस्टेंस क्या है? 5 है। और क्या डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहां से यहां गया, चेंजिंग पोजीशन यही है ना जी, ये भी उतना ही है, डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही है। अब आओ पॉइंट सी पर, पॉइंट सी पर ये ऐसे गया तो 5 मीटर ये और 5 मीटर ये, टोटल यही लंबाई होगी इस रास्ते की, तो आपको डिस्टेंस हो गया भाई साहब 10 मीटर, ये भी मीटर लिख लो। और डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या आ जाएगा, ये ए से बी होते हुए सी गया है तो चेंज इन पोजीशन तो ये हो गया ना, यही है चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन यही है, तो ये क्या हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस या तो स्क्वायर का डायगोनल जो कहना है कहो, तो ये 5 और ये भी 5, ये क्या आ जाएगा 5/2 होगा कि नहीं होगा? अब कितना लोग सोच रहे होंगे ये क्या बता रहे हैं भाई, ये बोल रहे हैं कि 5/2 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, कैसे? बहुत मार खाओगे कैसे अगर पूछोगे तो। अरे भाई देखो ना ये 5 और ये भी 5, तो ये वाला एसी बराबर क्या हो जाएगा? एकदम से करना पड़ता है सब कुछ तुम लोगों के लिए, ए बी का स्क्वायर का अंडर रूट प्लस बी सी का स्क्वायर का अंडर रूट, पता एसी का स्क्वायर का अंडर रूट प्लस एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर का अंडर रूट, तो एसी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर भी 5 का स्क्वायर बराबर 25 प्लस 25 50, 50 को क्या लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं, अगर इसके आगे पूछा तो बहुत मार खाओगे। अब आइए डी पर, डी पर ये ऐसे चलते, ये ऐसे चला गया तो डिस्टेंस कितना हो गया 5 10 15, डिस्टेंस हो गया 15। डिस्प्लेसमेंट ये ऐसे चलते हुए डी पर आया है, इतना ही चेंज इन पोजीशन है ना, ये क्या है, ये साइड अगर 5 है तो ये भी साइड 5, ये भी साइड 5, ये भी साइड 5, तो ये ऐसे चलते हुए ये यहाँ पे आया तो चेंज इन पोजीशन इतना ही, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया बाबू 5। सब में मीटर लगा दीजिएगा,
ठीक है, फिर आपको अगेन एट ए, ऐसे चलते ए से चला ये 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 ए पे ही आ गया, मुस्का पुनः मुस्का हो गया, तो अगेन एट ए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बाबू 20 मीटर होगा ना जी, देखो ना 5, 10, 15, 20 डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, जिस जगह से चलता है वहीं पे पहुंच जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0, ठीक ओके।